आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। रानीवाड़ा से बड़ा मामला, पूर्व विधायक रत्नाराम के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। पूर्व एमएलए के बेटे मकनाराम चौधरी पर यह हमला किया गया है। बदमाशों ने गाड़ी को रोककर जमकर तोड़फोड़ की है और उसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हमले में मकनाराम के सर और हाथ में कई चोटें आई हैं। बड़ा मामला आपको बता रहे हैं, जानलेवा हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर रानीवाड़ा से, जहां पर थाने में हमलावरों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा भी दर्ज करवा लिया गया है। मकनाराम चौधरी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है, साथ ही पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। पूर्व एमएलए के बेटे मकनाराम चौधरी पर हमला हुआ है और उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रानीवाड़ा से यहाँ पर बदमाशों ने गाड़ी को रोका और फिर तोड़फोड़ की और जानलेवा हमला भी किया, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा पुलिस में दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, साथ ही हमलावरों की पहचान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानलेवा हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। पूर्व एमएलए के बेटे मकनाराम चौधरी इन पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने पहले तो इनकी गाड़ी को रोका और फिर जमकर तोड़फोड़ की और जानलेवा हमला करने की कोशिश की। हमले में मकनाराम के सर और हाथ पर गंभीर चोटें भी आए हैं, अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया है। साथ ही हमलावर जो थे वो मौके से फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूर्व विधायक ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है, मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावर सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल बड़ा अपडेट जो सामने आ रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए हैं। जानलेवा हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उसी की बांधी बड़ी खबर रानीवाड़ा से, जहां पर पूर्व विधायक रत्नाराम के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। पूर्व एमएलए के बेटे मकनाराम चौधरी पर यह हमला हुआ है और पूरे मामले में बदमाशों ने गाड़ी को पहले तो रोका, तोड़फोड़ की और उसके बाद हमला कर वहां से फरार हो गए। हमले में मकनाराम के सर पर हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। विवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। जानलेवा हमले को लेकर यह बड़ा मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट्स है मामले में आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा, विधायक रत्नाराम चौधरी के पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने गाड़ी को रोककर हमले में क्षतिग्रस्त हुई है। रानीवाड़ा तहसील के मडालडी गांव के पास की ये पूरी घटना है और रानीवाड़ा के पूर्व विधायक है रत्नाराम चौधरी, उनके पुत्र मकनाराम चौधरी ने फिलहाल रानीवाड़ा पुलिस थाने में मुकदमा भी बदमाशों के खिलाफ करवाया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच में रानीवाड़ा पुलिस जुड़ गई है। जी, साथ ही मकनाराम के सर पर गंभीर चोटें आई हैं, हाथ पर भी चोटें आई हैं, उनकी हालत को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? मकनाराम जी उनके हाथ और सिर में चोटें आई है, फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार किया गया है और रानीवाड़ा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरी नकश में नहीं आई कि किस कारण बदमाशों ने रानीवाड़ा के पूर्व मकनाराम चौधरी के बेटे पर अटैक किया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमलावर फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है और पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी उनके शिकंजे में होंगे। राज्यपाल कलराज